आज हम आए हैं ऐसे गांव में, आपको मिलवाते हैं और इनका कल्चर दिखाते हैं। क्या हाल है अम्मा? ठीक है। ए इतना खुले आसमान पे पहले क्यों बैठे हुए? ना कोई छपरी है, ना कोई छा बना सकते है, ना कोई कीड़े को कोटे मुंह के बीच गर्मी का कहर थे, ना कोई बिजली, ना शमशी शीशा, गरीब लोग हैं ऐसा। अच्छा, कहती है खुले आसमान के नीचे इसलिए बैठे हैं, तो ना हमारे पास कोई बिजली है, ना हमारे पास कोई शमसी वो प्लेटें हैं, तो अंदर हमें गर्मी लगती है, इधर बाहर बच्चों को लेकर बैठे। तो आपका खाना भी नहीं कमाता? नशोदा गरीब है, गुर्दे का मरीज है, नहीं कहीं मजदूरी ले नहीं कर सकता। हाँ, गुर्दे का मरीज है, मजदूरी नहीं कर सकता। और ये चार बच्चे? जी हाँ, चार निके ही दूधियाँ जवान ही। चार ये छोटे बच्चे हैं, दो बेटियां जवान हैं, तो मंगाई वदिया ना कोई शादी शुदा ले का फरी थींदी है, तो बेटियों की मंगनी की हुई है, शादी का बस नहीं चलता, उनकी शादी करें। अगर आपको कहीं अल्लाह की तरफ से हेल्प मिल जाए, बच्चों की शादी कर देंगी बेटियों की? जी हाँ, कर लेंगे। कौन कौन सा सामान हो बेटियों के लिए? कैसे कैसे सामान दे देंगे? जैसे फरीन थी, खटड़ा, बिस्तरा, पेटी, ट्रंक, जाली, पखा, हर चीज। अम्मा कहती है बिस्तर, चारपाई, बेड, पेटी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें हम देते हैं। हाँ। पर ये जी हाँ। तो अच्छा, ये जो बच्चे हैं आपके, ये स्कूल दाखिल हैं? नहीं। अच्छा, ये नहीं पढ़ रहे? क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं नहीं, देखो लो मेरे यहाँ ट्यूशन, ना पढ़ाई लिख कैसे है, ना मैंने को पढ़े दिया, ना वर्जन, ना पढ़ाने, ना कैसे। ये तो माशाल्लाह बच्चे पढ़ने के काबिल हैं। हाँ, सारे बच्चे पढ़ने काबिल नहीं हो गए। कहती है ये चार बच्चे हैं पढ़ाई के काबिल हैं, तो ये फीसें नहीं है, खर्चा नहीं है, इनको दाखिल करूँ, इनकी किताबें लूँ, इनके बैग लूँ? तो अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिल जाए तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे? स्कूल इधर करीब है? पढ़ रहे हैं। अच्छा, जा सकते हैं बच्चे? नहीं पढ़ रहे, बच्चे पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते नहीं। कहती है इधर है स्कूल, इधर नज़दीक, तो तौफीक नहीं है, तौफीक की वजह से ये बच्चे हमारे नहीं पढ़ रहे। कहती है अगर पैसे होते तो इनका दाखिला लेती। अब चार बच्चे हैं, दो बेटियाँ जवान हैं, ये अकेली है बेचारी। ठीक है अम्मा जी, क्या करेगा? अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह की तरफ से खैर भाई, इंशाल्लाह आपके साथ हैं। वैसे इनके बच्चों का खर्चा ना आपको मैं दूंगा, इनको जब तक दाखिल करें और दाखिल करें सना पढ़े सना। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, नलका भी लगवा के देंगे। ये कहती है मुझे मेरा नलका नहीं है, खालों का पानी पीते हैं जो खेतों को लगता है, तो हमें नलका भी बना दो। कहते गंदा पानी है, गंदा पानी, ना कोई साफ सुथरा पानी है, ना बच्चे पींदे। कहते पानी गंदा है, कोई नलका जा कैसे तन तपीक दे, कैसे पानी पीछे कैसे। नलका भी इंशाल्लाह आपको लगवा के, अगर नलका के आपको पैसे मिल जाए तो कौन सी जगह पे लगवाओगी? नलका कहाँ पे लगवाओगी? अच्छा, माफी नलका कितना लेते हैं? नलके की ज्यादा कितना नलका लेते हैं? जी हाँ, कहती है जहाँ बैठी उसके पीछे ये घाटे पड़ी है, जहाँ पे नलका लगवाऊंगी तो बच्चे पानी गंदा पीते हैं, यहाँ खेतों को पानी लगता है, बीच में गंदगी होती है, चीजें होती हैं, तो हमें नलका लगवा के दें। ठीक है, ठीक है, इजाजत, अल्लाह।